हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में नोज़ केयर का हेल्थ टोकन देखने जा रहे हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखते हैं हेल्थ टोक ऑन नोज़ केयर। हेल्थ टोक में सबसे पहले हम फ्रंट और कवरिंग पेज बनाएंगे, जिसमें सबसे ऊपर यहाँ पर कॉलेज का नाम, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नोज केयर सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाई, ये सर लिखेंगे। नेक्स्ट डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, तो इस तरह से हमारा ये फ्रंट और कवरिंग पेज होगा। इसको एक बार फिर से बताते हैं आपको। सबसे पहले हमने कॉलेज का नाम लिखा है, श्री गुरु कृपा कॉलेज ऑफ नर्सिंग त्रिवेणी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हेल्थ टॉक ऑन नोज केयर एंड सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाई एंड डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, तो ये सारा लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट होगा इसके बाद आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा में लिखना है नेम ऑफ स्टूडेंट टीचर। नेक्स्ट क्लास लिखना है, टॉपिक लिखना है नोज केयर, टाइम कब हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जैसे 9 AM, ड्यूरेशन 30 मिनट का होगा, डेट लिखना है। नेक्स्ट लैंग्वेज लिखना है, इसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट एबिएट्स लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट प्लेस में लिखना है ENT वार्ड में हम हेल्थ टॉक प्रेजेंट करने जा रहे हैं। नेम ऑफ एवेल्यूएटर में टीचर का नाम, ग्रुप नर्सिंग स्टूडेंट स्टाफ एंड पेशेंट, जिनको हम हेल्थ टॉक जिनके सामने हम हेल्थ टॉक प्रेजेंट करेंगे, सारा यहाँ पर लिखना है। तो ये था आइडेंटिफिकेशन डाटा। नेक्स्ट लिखना है हमको प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज टू चेक प्रीवियस नॉलेज ऑफ ग्रुप अबाउट नोज केयर, इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट जर्नल ऑब्जेक्टिव्स में टू गिव प्रॉपर नॉलेज टू द ग्रुप रिगार्डिंग नोज केयर एंड एंड ऑफ द टीचिंग द ग्रुप विल बी एबल टू नो अबाउट नोज केयर, ये लिखना है। नेक्स्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखना है, एट द एंड ऑफ द टीचिंग द ग्रुप इज एबल टू डिफाइन नोज केयर, टू एक्सप्लेन पर्पज ऑफ नोज केयर, टू एनलिस्ट द इक्विपमेंट्स फॉर नोज केयर, टू एक्सप्लेन अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ क्लाइंट एंड टू डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ नोज केयर। तो ये सारा हमको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में लिखना है। तो ये था आइडेंटिफिकेशन डाटा, प्रीवियस नॉलेज, जनरल ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद यहाँ पर हम हेल्थ टॉक का एक फॉर्मेट तैयार करेंगे, जिसमें सबसे पहले होगा यहाँ पर सीरियल नंबर, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, टाइम, कंटेंट, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, एवीएट्स, एवेल्यूशन। तो ये सारा हमको फॉर्मेट में यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले देखते हैं सीरियल नंबर फर्स्ट, यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में टू मेक रिपोर्ट विद द ग्रुप, टाइम 1 मिनट का होगा, कंटेंट होगा यहाँ पर सेल्फ इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ अमित शर्मा BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम श्री गुरु कृपा कॉलेज ऑफ नर्सिंग त्रिवेणी, इस तरह से लिखना है। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी एवीएट्स एवेल्यूशन में यहाँ पर हमको खाली छोड़ना है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर सेकंड होगा पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन द टॉपिक विद ग्रुप, टाइम 1 मिनट का होगा, इंट्रोडक्शन टू टॉपिक यहाँ पर लिखना है। टुडे आई विल डिस्कस विद यू अबाउट द नोज केयर, हाइजीनिक केयर ऑफ द नोज इज डन एज द पार्ट ऑफ द जर्नल बाथिंग प्रोसीजर, हाइजीनिक केयर ऑफ द नोज प्रिवेंट इन्फेक्शन, हेल्प एंड हेल्प टू मेंटेन नोज फंक्शन, ये सारा लिखना। नेक्स्ट टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लिखना है लेक्चर कम डिस्कशन। नेक्स्ट नंबर थर्ड देखते हैं यहाँ पर, थर्ड होगा टू असेस द प्रीवियस नॉलेज ऑफ ग्रुप, टाइम 1 मिनट का होगा, प्रीवियस नॉलेज में डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द नोज केयर, प्लीज टेल मी, ये सारा लिखना है। नेक्स्ट नंबर फोर्थ पे टू डिफाइन नोज केयर, टाइम 3 मिनट का होगा, डेफिनेशन लिखना है यहाँ पर, नोज केयर इज द प्रोसीजर ऑफ असेसिंग क्लीनिंग ऑफ नोज एंड मेंटेनिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नोज एंड टू प्रिवेंट और ट्रीट इंजरी ऑफ द नोज, ये लिखना है। लेक्चर का डिस्कशन होगा, वर्बलाइज होगा यहाँ पर, एवीएट्स में सब जर्नलिस्ट को डिफाइन बोल के बताएंगे और एवेल्यूशन लिखना है डिफाइन नोज केयर, इस तरह से। नंबर फिफ्थ लिखना है टू एक्सप्लेन पर्पज ऑफ नोज केयर, टाइम 3 मिनट का होगा, पर्पज में लिखना है यहाँ पर फर्स्ट टू प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टू क्लीन द पेशेंट नोज, टू प्रिवेंट और ट्रीट इंजरी ऑफ द नोज, टू प्रिवेंट डैमेज टू द नोज, ये सारा लिखना है। लेक्चर इसमें लिखना है हमको टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, लेक्चर कम डिस्कशन, एबिट्स में फ्लैश कार्ड एंड एवेलेस में लिखना है व्हाट आर द पर्पज ऑफ नोज केयर, ये सारा लिखना है। नेक्स्ट नंबर सिक्स यहाँ पर लिखना हमको
टू एनलिस्ट इक्विपमेंट फोर नोज केयर, टाइम 2 मिनट का हो गया। इक्विपमेंट मिल लेना है कॉटन सिलाई इन्वर्टर टॉवल, ये सारा। इसमें भी लेक्चर का हम डिस्कशन आएगा। इबीएट्स में चार्ट में हम इसको शो कर सकते हैं। एनलिस्ट में सॉरी यहाँ पर इवेल्यूएशन लिखना है, नो एनलिस्ट नोज केयर इक्विपमेंट, ये सारा लिखना है नंबर 7 में। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में टू एक्सप्लेन अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट, टाइम 5 मिनट का होगा। कंटेंट में लिखना है प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट, फर्स्ट एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द क्लाइंट, एक्सप्लेन हाउ द क्लाइंट कैन हेल्प यू। नंबर 2nd में एडजस्ट द बेड टू द कंफर्टेबल वर्किंग ऑफ द नर्स। नंबर 3rd में अरेंज द आर्टिकल्स कन्वीनियंटली ऑन बेड साइड टेबल, रिमूव ऑल पिल्लो लिविंग 1 पिल्लो अंडर द हेड। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लिखना लेक्चर कम डिस्कशन, इवेंट्स में OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, एंड इवेल्यूएशन में हाउ विल यू प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर नोज केयर, ये सारा लिखना है हमको। नेक्स्ट लिखना है सीरियल नंबर 8, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में लिखना है टू डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ नोज केयर, टाइम 8 मिनट का होगा। प्रोसीजर हमको यहाँ पर लिखना है। टीचिंग लगने एक्टिविटी में लिखना है लेक्चर कम डिस्कशन ओवर हेड प्रोजेक्टर एंड इवेल्यूशन में डिस्क्राइब नोज केयर प्रोसीजर इन डिटेल। प्रोसीजर में देखते हैं पर 1st नंबर पे एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, प्लेस द पेशेंट हेड वेल सपोर्टेड विद टिल्टेड बैक। नंबर 3rd पे वॉश एंड थोरली यूजिंग बैक्टीरियल सोप। नंबर 4th मेक श्योर एन अफ लाइट सोर्स इज अवेलेबल। नंबर 5th पे रिमूव द नेजल सिक्रेशंस ऑफ द क्लाइंट बाई यूजिंग कॉटन वॉल एंड वाटर। नंबर 6 पे एंश्योर द न्यू कॉटन वॉल इज यूज ईच टाइम, रिपीट द प्रोसीजर अंटिल ऑल द सिक्रेशंस हैज बीन रिमूव्ड। नंबर 7 पे वंस द नोज हैव बीन क्लीन्ड एंड ड्राइड आउट मेक द पेशेंट कंफर्टेबल। नंबर 8 पे डिस्कार्ड द बेस्ट अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल पॉलिसी। नंबर 9 पे रिप्लेस द इक्विपमेंट। नंबर 10 पे वॉश एंड। नंबर 11 पे रिकॉर्ड द प्रोसीजर इन द नर्सेज रिकॉर्ड। तो ये सारा हमको लिखना है पर कंटेंट में। प्रोसीजर हो गया पर। नेक्स्ट नंबर 9 पे देखते हैं पर टू कंक्लूड द टॉपिक, टाइम 1 मिनट का होगा। कंक्लूजन लिखना है नोज केयर इज केयर आउट फॉर ए नंबर ऑफ रीजंस, हाइजीनिक केयर ऑफ द नोज प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड हेल्प टू मेंटेन देयर फंक्शन, रिमूव द नेजल सिक्रेशंस ऑफ द क्लाइंट वाई यूजिंग कॉटन वॉल एंड वाटर, एंश्योर द न्यू कॉटन वॉल इज यूज ईच टाइम। तो ये सारा हमको कंक्लूजन में लिखना है। नंबर 10 में देखते हैं समराइजेशन, टू समराइज द टॉपिक, टाइम 2 मिनट का होगा। समरी में लिखना हमको टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक नोज केयर अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स, डेफिनेशन, पर्पज, इक्विपमेंट, प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट, प्रोसीजर। नंबर 11 पे टू रिकैप्सुलाइज टॉपिक, टाइम 2 मिनट का होगा। रिकैप्सुलाइज में लिखना है डिफाइन नोज केयर, टेल मी अबाउट द नोज केयर प्रोसीजर। और लास्ट में लिखना है हमको बिब्लियोग्राफी। इस तरह से हमको यहाँ पर कंप्लीट नोज केयर का हेल्थ टॉक यहाँ पर लिखना है। एक बार फिर से देखते हैं, हमने यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट और कवरिंग पेज बनाया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखा है। इसके बाद हमने प्रीवियस नॉलेज, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और फिर ये टेबल तैयार किया है। इसमें सीरियल नंबर, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, टाइम, कंटेंट, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, इवेट्स एंड इवेल्यूशन। 1st हो गया यहाँ पर सेल्फ इंट्रोडक्शन। नंबर 2nd इंट्रोडक्शन टू टॉपिक। नंबर 3rd प्रीवियस नॉलेज। नंबर 4th डेफिनेशन। नंबर 5th पर्पज। नंबर 6th इक्विपमेंट। नंबर 7th प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट। नंबर 8th प्रोसीजर एंड नंबर 9th कंक्लूजन। नंबर 10th समराइजेशन, रिकैप्सुलेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो इस तरह से हम यहाँ पर नोज केयर का हेल्थ टॉक कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अनंत नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।